HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक खबर रूस से आई है, जहां पर मॉस्को से 161 किलोमीटर दूर मौजूद कुछ खदानों में खजाना छिपाया हुआ है। रूस के रहने वाले एंटन अलेक्सीव ने कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया और खजाने की खोज पर निकल पड़े। खोज के दौरान अचानक एक पुराने खदान से उन्हें 1 बिलियन सोवियत रूबल मिले। इनकी कीमत करेंट एक्सचेंज रेट के मुताबिक करीब 1 अरब 12 करोड़ रुपए है। लेकिन नोटों के ये बंडल टीम के लिए कागज का टुकड़ा निकले। दरअसल सोवियत रूबल 1961 के समय चलता था, लेकिन 1990 के बाद वहां रूसी रूबल चलने लगा। ऐसे में अब इन नोटों की कोई अहमियत नहीं है। खजाने की खोज करने गए टीम के सदस्य ओल्गा बोगदानोवा ने इस खोज के बाद दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी टीम ने खोज के बाद खदान से नोटों को निकाला। हालांकि थोड़ा अफसोस भी है कि ये पैसे, जो किसी के लिए ऐशो आराम की लाइफ जीने का साधन हो सकते थे, अब किसी काम के नहीं है।